तो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल कुकिंग एंड अदर होम टिप्स। सो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं शाही पनीर जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम लेते हैं 10-12 बादाम जो हम थोड़ा सा गर्म पानी में इनको गर्म कर लेंगे जिससे इनका छिलका आसानी से उतर जाए। देखिए हमने इनको थोड़ा सा गर्म पानी में एक दो खद्दे लगा लिए हैं। अब हमने गैस बंद कर दिया है, इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और देखिए अब ठंडा होने के बाद हम इनको छील रहे हैं और बहुत इजीली ये छिल जाते हैं, इनका छिलक बहुत इजीली उतर जाता है इस तरह से गर्म पानी में करने से। तो फ्रेंड्स अब हमने बादामों को इस तरह से छील लिया है, सभी बादाम हमारे छिल गए हैं। तो फ्रेंड्स शाही पनीर बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 टमाटर, इनको हमने काट लिया है, और 2 हमने इसमें लिए हैं प्याज जिनको हमने पीसेस कर लिए हैं, उनके भी रफली चॉप कर लें आप। और 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है नमक छोटा चम्मच, और थोड़ा सा हरा धनिया जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 चम्मच मैंने इसमें लिया है जीरा। मैंने इसमें लिए हैं काजू, आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये बादाम जो मैंने छीले थे वो सभी बादाम हैं, और थोड़ी सी लिया मैंने कसूरी मेथी, और थोड़ा सा हींग, ये आधी चम्मच के करीब मेरा हींग है। और ये मसाला चकदे का, ये शाही पनीर का, ये मैं डालूंगी पूरा पैकेट सब्ज़ी में, और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप इसको यूज़ करें तो आपको इसका टेस्ट पता लगेगा। अब फ्रेंड्स मैंने ले लिया है एक पैन जो मैंने गैस पर रख दिया, और इसमें 2-3 बूंद मैंने तेल की डाल ली है। और अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने प्याज काट कर रखे थे, वो इनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, इस तरह से हम रोस्ट करेंगे। तेल की हमें 2-4 बूंदी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। ये देखिए इस तरह से ये अब हमारे ये प्याज रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए बस इस तरह से इतना ही करना है हमें, इनको जलाने नहीं है। अब हमने गैस बंद कर दी है और इनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मैंने अब ग्राइंडर जार ले लिया है, उसमें डालूंगी मैं ये काजू और बादाम जिनको हमें ग्राइंड करना है। और इसमें डालूंगी मैं 1/4 ग्लास के करीब इसमें दूध, ये मैंने बॉईल किया हुआ दूध डाला है, और ठंडा करके इसको हम पीसने के लिए इसमें डाल लेते हैं। और अब हमने इनको ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से हमारा एक पेस्ट बन गया है। दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसी ग्राइंडर जार में हम जो हमें एक प्योरी बनानी है उसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए हम डालेंगे जो हमने टमाटर 2 टमाटर काट कर रखे थे वो हम इसमें डाल लेंगे। अब फ्रेंड्स हमने जो प्याज ठंडे होने के लिए रखे थे वो भी हम इसमें डाल लेंगे। इनकी हम एक प्योरी बनाकर तैयार करेंगे जो हमारी शाही पनीर में बहुत बढ़िया टेस्ट बनाएगी। अब फ्रेंड्स ये जो मैंने जीरा लिया था वो भी मैं इसमें डाल लूंगी। और अब मैं इनको ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, एक कितना बढ़िया हमारा ये पेस्ट बन गया है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है जो मैं गैस पर रख रही हूँ, हमें फुल गैस पर ही फ्राई पैन को रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए 3 बड़े चम्मच। और अब इसमें डालूँगी मैं 1/2 चम्मच जो मैंने हींग लिया है वो डाल देती हूँ। ये हींग फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये फ्रेंड्स चकदे का मसाला जो हमारा पूरा पैकेट है, ये फुल पैकेट हम इसमें डालेंगे जो 10 रुपये का आता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और इसका टेस्ट फ्रेंड बहुत बढ़िया है। आप इसको डालकर बनाएंगे तो आप इसका बार बार बनाएंगे। अब इसमें मैंने जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसको हम तेज़ गैस पर
अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, कितनी बढ़िया लग रही है हमारी पूरी ग्रेवी, कितनी बढ़िया लग रही है हमारी ये। अब हम इसमें डालते हैं ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा आप जब ये ग्रेवी तैयार होने को हो तब इसमें डालें। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी ग्रेवी ये। फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाना इस तरह से और बहुत अच्छी लगेगी आपको ये सब्ज़ी। फिर देखिए अब हमने ये 2 मिनट के लिए हमने इसको ढककर रखा था, उसके बाद हमारी ग्रेवी इस तरह से हो गई है। इसने जो पानी था इसमें वो सब ऑब्जर्व कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हमने धीमी आंच कर रखी है, धीमी आंच पर ही। अब ये मैंने दूसरी गैस पर गर्म पानी कर लिया था, करीब मैंने 1/4 ग्लास गर्म पानी है ये, और मैं इसमें धीरे धीरे इसको ऐड करूँगी। फ्रेंड्स मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसके लिए मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ और मैंने इसमें धीरे धीरे डाले हम पानी डालेंगे। गर्म करके ही डालेंगे, ठंडा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, वरना हमारी जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट इतना बढ़िया नहीं आता है कि अगर हम उसमें कच्चा पानी डाल देते हैं। आप अगर पकाया हुआ पानी डालेंगे तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स अब इसमें डालूंगी मैं ये नमक। इसको हम पकाएंगे इसी तरह से, ये मीडियम लो पर हमें इसको पकाना है। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स मेरे को थोड़ा सा पानी और डालना था इसमें, थोड़ी सी मेरे को गाढ़ी ग्रेवी लग रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है इसमें। अब फ्रेंड्स जो मैंने इसका पेस्ट बनाया था काजू और बादाम का वो इसमें मैं डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें अब डालना है इसका पेस्ट। पहले से हम इस पेस्ट को नहीं डालेंगे, ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए उसके बाद हम इसको डालेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी लुक आ जाता है हमारा ये पेस्ट डालते ही हमारी ग्रेवी का। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, देखते ही मन करता है इंसान का खाने को। अब फ्रेंड्स मैंने ये जो 200 ग्राम पनीर लिया है इसको मैं छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने काट लिया है इसको इस तरह से। और अब इस ग्रेवी में मैं इन सभी पनीर के पीसों को इस तरह से डाल दूँगी और इस तरह से हम धीरे से इसको चलाएंगे। अब फ्रेंड्स मैं इसमें एक छोटी चम्मच चीनी की डालूंगी जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, क्योंकि ये हमारी शाही पनीर है तो शाही पनीर में थोड़ा मसालों को हल्का रखा जाता है और इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मिठास पे होता है, तो इसलिए हम इसमें एक छोटी चम्मच चीनी की डालेंगे। और अब हमने गैस कर दी है बंद और हमारी शाही पनीर बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स इतनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है हमारी शाही पनीर। और अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में। ये देखिए इस तरह से हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितनी बढ़िया हमारी शाही पनीर बनकर तैयार हुई है। अब फ्रेंड्स मैं इसको गार्निश के लिए इस पर डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया जो कि मैंने बारीक काट कर रखा था। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी शाही पनीर। फ्रेंड्स आप जब बनाएंगे और इसको खाएंगे तो आप इसी तरह से बनाना चाहेंगे फिर बार बार। तो फ्रेंड्स आप इसको बनाइए खाइए
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।